अमर रहे ट्रैक्टर यूनियन जिंदाबाद, ट्रैक्टर यूनियन जिंदाबाद, ट्रैक्टर यूनियन जिंदाबाद, सेंट्रल गवर्नमेंट हाय हाय, सेंट्रल गवर्नमेंट हाय हाय, सेंट्रल गवर्नमेंट हाय हाय, सेंट्रल गवर्नमेंट हाय हाय, हमें क्या चाहिए हमें क्या चाहिए रोटी कपड़ा मकान, हमें क्या चाहिए रोटी कपड़ा मकान, ईद पास माइनिंग डिपार्टमेंट हाय हाय, माइनिंग डिपार्टमेंट हाय हाय, माइनिंग डिपार्टमेंट हाय हाय, जेके गवर्नमेंट हाय हाय, जेके गवर्नमेंट हाय हाय, केंद्र सरकार हाय हाय, केंद्र सरकार हाय हाय। मैं मोहम्मद आरिफ, ट्रैक्टर यूनियन चेयरमैन जम्मू। आप सबको पता है हमारा जो आज का प्रोटेस्ट है ये माइनिंग डिपार्टमेंट के खिलाफ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ है। हम पिछले 4 साल से कुत्तों की तरह भूख रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने हमें कुत्ता बना के रख दिया, जम्मू के यूथ को कुत्ता बना दिया इन्होंने। आज जम्मू का जितना भी यूथ है वो सड़कों पे इन्होंने खड़ा कर दिया है कि आप भोंको। मैं माननीय जुगल किशोर MP सर साहब से डिमांड करूँगा, मांग करूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा, जनाब अली गर्मी का मौसम ख़त्म हो गया है, AC का कमरा छोड़कर बाहर आओ, बाहर निकलो, लोगों की प्रॉब्लम देखो आज क्या हालत बन गई है। हम किसी भी प्रशासन अधिकारी के पास जाते हैं वो यही बोलता है जी ड्यूटी है, ड्यूटी में क्या खाना नहीं खाएंगे, ड्यूटी में क्या दिहाड़ी नहीं लगाएंगे, इसके लिए भी बोल रहे हैं कि परमिशन लो। मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ और पुलिस के आला अधिकारी से पूछना चाहते हैं, जो जो रात का खेल चल रहा है या क्या खेल चल रहा है, हमारे ट्रैक्टरों को पकड़ पकड़ कर पुलिस स्टेशनों में, पुलिस चौकियों में, और हम 400 रुपया दिहाड़ी कमाने वाले लोग हम लाख लाख रुपया कहाँ से भरेंगे। इसी के साथ जो इन्होंने स्टे लगा के रखा है, हम यही डिमांड कर रहे हैं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि हमारा जो जम्मू का गरीब है, जम्मू के जो यूथ है वो सड़कों पे पूरा हजूम बनकर आ जाए। तो ये सारी जिम्मेवारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। इसी के साथ हम पूछना चाहते हैं, जो इन्होंने स्टे तो लगा के रखा है लेकिन ये रिंग रोड कैसे बन गया, रिंग रोड के अंदर जो माल पड़ रहा है, जितना भी रेता बजरी आ रहा है, ये कहाँ से आ रहे हैं, हमने अपने सोर्सेस से पता किया, जो बोल रहे हैं हमने परमिशन दी है, भाई साहब अगर उनको परमिशन दिया हम भी परमिशन मांग रहे हैं, हम कोई चिट्टे बेचने के लिए या बुक्की बेचने के लिए परमिशन नहीं मांग रहे हैं। केंद्र सरकार बोलती है हम लोन देंगे आप 4 लोगों को और लोगों को रोजगार दो, हमारा तो आपने जो दिहाड़ी लगा रहे थे उसी को ख़त्म कर दिया, हम कैसे लोगों को रोजगार दें। आज प्रशासन को पता नहीं क्यों ट्रैक्टर चुभ रहे हैं, म्यूनसिपलिटी ने पिछले दिनों आपने देखा कोरोना के तहत कितने ट्रैक्टर खरीदे उन्होंने, कितने ट्रैक्टर लाए उन्होंने, उनके ट्रैक्टर रोड में चल रहे हैं म्यूनसिपलिटी के और डिपार्टमेंट के, लेकिन जो एक गरीब बेचारा एक आस से जाता है दिहाड़ी लगाने के लिए, उसको आज दिहाड़ी भी नहीं लगाने लेने दे रहे। तो हमारी बार बार यही डिमांड रहेगी कि इसकी जांच होनी चाहिए, जो ये परमिशन देने वाला आदमी बताओ हमें, हम उसको ढूंढ रहे हैं जो कौन परमिशन दे रहा है, हम भी परमिशन लेके नदी नालों से रेत बजरी और हमारे जो ट्रैक्टर हैं जिन्होंने कवाड़ कर दिए, स्वाह कर दिए इन्होंने, तो हम लोन कहाँ से, इनकी किस्तें कहाँ से दें, लोन लेके ट्रैक्टर खरीदे हमने अंदर लगाने के लिए नहीं खरीदा। इंडिया में जितना भी जो बिजनेसमैन है वो लोन लेके फायदा लेता है, लेकिन हमारे गरीबों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, हम लोन लेके जो बोल रहे हैं आप अपने गाड़ियां अंदर लगाओ। हम प्रशासन से पूछना चाहते हैं आप हमारी आवाज़ क्यों नहीं उठाते। अज दा जेहड़ा प्रोटेस्ट RS पूरा दे अंदर ट्रैक्टर यूनियन ने कीता, अस भी इंदा पूरा तरीके कन्नै समर्थन कन्नै, कल भी असें इंदी आवाज़ गी बुलंद कीता, और एह गल आखना चाहन्ने आं कि सरकार इंदे कन्नै बड़ी नाइंसाफी करा दी, हानेवल कोर्ट ने यह दिखना चाहिए कि इंदे रोजी रोटी का जेहड़ा कोई लाले पे चुके, क्योंकि ट्रैक्टर चला नहीं करदे और माइनिंग तुसें बंद कीती, असें डिमांड करने आं हानेवल कोर्ट अगे भी कि ऐसा कोई बिच दा रस्ता कड्ढे ताकि इन्हें लोगों के जेहड़े ट्रैक्टर खड़ोते दे, क्योंकि जगह बाहिए ट्रैक्टर की किस्तां नहीं निकलदे, इंदे लोगों के बारे सोचा जाए और जल्दी है इन्हें राहत दी जाए, और केंद्र सरकार जो बार बार ये दावे करते कि अस रोजगार दिया करने तो इंदी रोजगार की नीतियां कुदै ना कुदै जमीनी स्तर फ्लॉप शो आ करदियां, इंदे लोकें वाली पक्षी भी मी लगा ध्यान देना चाहिए, और इंदी जी जदोजहद अस इंदे कन्नै पूरे कंधे कन्नै कंधा मिलाइए खड़ोते, जम्मू का यूथ, डोगरा यूथ इंदे बराबर कन्नै खड़ोते।